अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद घूमने फिरने के लिए और लेट्स होप कि हमें मौसम भी अच्छा मिले और हमारा दिन भी अच्छा गुजरे। तो अभी हम जा रहे हैं मुनाल, तो आपको लेके चलते हैं, आपको रास्ते में मुनाल के नज़ारे भी दिखाते हैं और साथ साथ आपको प्यारे प्यारे जो है ना खाने वहाँ पे खा के और उनके टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो आगे चलते हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जी अब हम मुनाल आ गए हैं, तो आपको यहाँ का खाना टेस्ट करवाते हैं, यहाँ की एम्बियंस भी कमाल है। सो लेट्स गो। एंड यू कैन चेक द एम्बियंस, बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई हैव विजिटेड मुनाल अबाउट 3 to 4 टाइम्स इन माई लाइफ, लेकिन जब भी आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अस्सलामुअलैकुम जी, तो अब हमारा खाना आ गया है, तो आपको दिखाते हैं, बड़ा मज़े का खाना आया है जी। ये आया जी एग फ्राइड राइस इनके, और ये इनकी चाइनीज़ है मंगोलियन चिकन, एंड दिस इज़ अ स्पेशल वन, ये चिकन मुगलाई है इनकी। लेट्स टेस्ट इट, हमने सर्व तो कर लिया, तो आपको खा के दिखाते हैं कि कैसा है। अस्सलामुअलैकुम जी, तो आपको दिखाते हैं अपना चिकन मंगोलियन, लेट्स सी कैसा है। बहुत मज़ा है, थोड़ा गर्म है, बट इसको खाना का जो मज़ा है वो गर्म गर्म ही है, वेरी टेस्टी। उसमें इन्होंने चिकन भी डाला हुआ है, कैप्सिकम है, टोमेटोज हैं, अनियंस हैं, बहुत मज़े का लजीज, बहुत मज़े का, स्पाइस लेवल भी बहुत अच्छा है। और यार जो मुनाल का जो एम्बियंस है ना, और खाना जो है नेक्स्ट लेवल, और जो इनका जो यहाँ का माहौल है, जो नज़ारे हैं, अभी आपको थोड़े से दिखाए भी हैं हमने और थोड़े से और भी दिखाएंगे। तो हम बट फैमिली होके फूड ब्लॉगर ना बने ऐसा हो नहीं सकता, खाना बहुत मज़े का है। तो अब खाना खाते हैं, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अब हम आपको खा के दिखाते हैं मुगलाई चिकन।
बहुत मज़े के टेंडर लग रहे हैं, बोनलेस है, रायते के साथ इसकी पाइट लेके देखते हैं। एंड उफ गरम है बट सीम्स वेरी गुड। इसको रायते में डिप करते हैं, नेक्स्ट सीम को खा के देखते हैं कैसा है। वेरी नाइस, मैं 10 में से इसको रेटिंग दूंगा, तो 8/10 मज़े का। फर्स्ट टेबल भी अच्छा है और मज़े का, वेरी नाइस। तो अब हम वापस आ गए हैं फ्रॉम मनाल और अभी भी हमारा दिन ख़त्म नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए घर पहुंचे हैं। बस वहां पे थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया, कह लें मिसहैप हो गया, कि मेरा जो पर्स था इंक्लूडिंग कैश एंड एवरीथिंग वो उधर ही रह गया। और मैं जब पार्किंग में पहुंचा तो मैंने कहा यार मेरा वॉलेट कहाँ पर रह गया, तो थैंक्स टू द गार्ड ओवर देयर, उसने उसकी मेहरबानी है, उसने ढूंढ दिया। तो जी पाकिस्तान के अंदर अभी भी ईमानदार लोग बहुत हैं और बहुत बहुत शुक्रिया उनका, शॉर्ट आउट टू दैट अंकल कि उन्होंने हमें बचा लिया, वरना हम लाहौर से इस्लामाबाद आए हुए थे, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आईडी कार्ड वगैरह एवरीथिंग वाज इनसाइड। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें बचा लिया। तो बाकी ये है कि अभी फ़िलहाल हम अपने रेस्ट हाउस आ गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो खाने का बहुत मज़ा आया और द एटमोसफेयर एम्बियंस एक्सीलेंट परफेक्ट। तो ये है कि अब हम रात को निकलेंगे घूमने फिरने के लिए, तो लेट्स सी कि क्या हम करते हैं आज। तो अब हम रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, तो आपको अगले व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको हमारा आज का खाने का व्लॉग, ट्रैवलिंग व्लॉग छोटा सा अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएँ और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और बताएं कि हमारा ब्लॉग कैसा है, आपको कैसा लगा है। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें जी। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।